और उसके बाद गहलोत साहब के साथ नहीं रहा तो मेरे रोज मुकदमे लगे। ये तो आपको बताऊं संस्कारित बहू का केबरी डांस था। सोनिया जी ने क्या ट्रस्ट नहीं किया इनके ऊपर, क्या नहीं दिया इनको, तीन तीन बार सेम बना दिया। पूछना चाहूँ की अशोक गहलोत ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण वो जेल में। तीन पन्ने तो मैंने आउट किए हैं उसके डायरी के आरसी के अंदर, बाकी और है कुछ गायब हो गए, कुछ चला कुछ गायब हुए, कुछ चल गए, कुछ बच्चे हुए, पता चलेगा। अब तो जनता कानून तो सबके लिए बराबर है। नहीं ऐसा उन्होंने क्या गुनाह किया जेल में जाना पड़े मुख्यमंत्री स्तर के आदमी। देखिए गहलोत साहब कहते हैं कि केंद्र की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, और मैं गहलोत साहब के साथ था तब तो बहुत बढ़िया था, और उसके बाद गहलोत साहब के साथ नहीं रहा तो मेरे रोज मुकदमे लग रहे। कहाँ पिपाड़ की पुलिस, कहाँ का लड़का, कहाँ की लड़की, और अरेस्ट हो गए 2 महीने पहले, जेल चले गए, 164 की बैन हो गई, हिंदुस्तान के 200 शहरों में रहे, उनमें जयपुर भी एक, कहीं होटल में भी रुके थे, पता नहीं कहाँ कहाँ रुके। राजेंद्र गुड्डा से पूछताछ, ये तो ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं है। तो जब आप करो जब ये कह रहे हो वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गिनती अब तक सबसे संजीदा लोगों में थी, परंतु पिछले 6 महीनों में से उनके बयान बहुत ही आपत्तिजनक और ये कुछ भी आप देखिए 25 सितंबर को जिस तरीके से केंद्र के पर्यवेक्षक आए थे बिहार राजस्थान के अंदर, जिसमें खड़गे भी था, अजय माकन भी था, क्या दुर्दशा करके उनको यहाँ से निकाला गया था, वो मुख्यमंत्री जी की संजीदगी थी, वो एक पार्टी के अनुशासित थे, माफी भी मांगनी पड़ी थी। सोनिया जी ने क्या ट्रस्ट नहीं किया इनके ऊपर, क्या नहीं दिया इनको, तीन तीन बार सेम बना दिया इनको, 156 दिए थे 56 कर दिए, 100 दिए थे 21 कर दिए, अब की बार कितने होगा पता चल जाएगा। लेकिन क्या क्वालिटी थी सोनिया जी की, मेहरबानी किस तरीके से उनको अपमानित किया। आप उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य के रूप में मंत्रिमंडल को स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, जब खड़गे जी आए तो क्या मुख्यमंत्री और डोटा सिंह से आपको संदेश गया था कि खड़गे जी की मीटिंग में आपको नहीं जाना था। देखिए जिस तरीके से तो सब कुछ ओपन हुआ, सरे आम हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग थी और उसके अंदर वहां जाने वाले लोगों को, वहां सारे लोगों को, ये तो क्यों से नहीं आना, ये तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था और उसके लिए माफी भी मांगी है। वो जो का एक, ये तो आपको बताऊं संस्कारित बहू का केबरी डांस था। आपने ये एक बयान दिया था कि आगामी विधानसभा में इतने ही कांग्रेस एमएलए चुन के आएंगे जितने ही फॉर्च्यून हो जाएगी, इसका आधार क्या है। देखिए चुनाव हो रहे हैं, अभी सारी चीजें सामने आ गई, पता चल जाएगा जो स्थितियां है। गहलोत साहब जब 2003 के अंदर मैं अब से ज्यादा जवान थे, उनकी उम्र शायद 50-55 साल रही थी, 52-54 साल उस टाइम में जवान थे, रिपीट नहीं कर पाए। 2013 में 62-63 साल के थे, रिपीट नहीं कर पाए। अब तो ये बुढ़े हो गए, 73 साल के हो गए, और वही तो आदमी है। सचिन पायलट का क्या भविष्य देखते हैं वो उनसे पूछना है।